देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। दर्शकों, भारत आज एक तरफ गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण की तस्वीरें देख रहा है तो उसी भारत के भीतर एक भारत जलती हुई ट्रेनें, पिटते हुए छात्र, ट्विटर पर बेरोजगारों का आंदोलन, हॉस्टल में लाठी खाते युवा, रोती युवतियां, भविष्य को लेकर परेशान युवाओं की भी तस्वीरें देख रहा है। कुल जमा बात यह है कि बेरोजगार छात्र नौकरी मांग रहे हैं, वो नौकरी मांग रहे हैं, सरकार उनको लॉलीपॉप दे रही है। क्या नौकरी और लॉलीपॉप पर्यायवाची हैं? अगर हैं तो फिर ये रंग बिरंगी लॉलीपॉप में से रेलवे की नौकरी वाली लॉलीपॉप कौन सी है? और अगर नौकरी और लॉलीपॉप पर्यायवाची नहीं है तो सरकार फिर नौकरी की मांग पर लॉलीपॉप क्यों दे रही है? ये बिल्कुल वैसा ही है दर्शकों जैसा किसी दुकान में एक रुपए बचने पर दुकानदार आपको टॉफी पकड़ा देता है। उसका अंदाजा है कि एक रुपए के सिक्के की जगह पर टॉफी भी दी जा सकती है। शायद यही अंदाजा सरकारें लगा रही हैं और उनको नौकरी की जगह लॉलीपॉप दे रही है। और आज भारत एट नाइन में हम पूछ रहे हैं कि नौकरी नहीं है तो वैकेंसी निकाली क्यों, वैकेंसी निकाली तो परीक्षा में देरी क्यों, परीक्षा करवाई तो ये गड़बड़ झाला क्यों, छात्रों को सुनकर शांत करने की जगह लाठी से शांत करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? चुनाव आए, चुनाव जब जब आए, नौकरी लाए, बाद में क्या युवा इसको भूल जाए? मतलब चुनावों से पहले नौकरी 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 और बाद में सब सन्नाटा है। छात्रों ने कमेटी बनाने के लिए कब कहा था जो आपने कमेटी बनाई? ये सवाल है। 2024 तक नौकरियों को खींचने का क्या प्लान है? ये युवा सवाल कर रहे हैं कि 2024 तक इनको खींचना है क्या? इसलिए टाल मटोल, कमेटी गठन, तमाम तरीके की बातें की जा रही है। यूपी चुनाव है साहब, इसलिए आश्वासन वाला वो झुंझुना दिया जा रहा है क्या? ये सभी सवाल हैं और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये एनटीपीसी आरआरबी को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परीक्षार्थी धरना दे रहे हैं, जो सड़कों पर हैं, पटरियों पर हैं, जो उग्र भी हैं, आखिर भाई 3 साल के बाद भी सरकार उनको नौकरी देने की बजाय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अगर जो वादे दावे प्रॉमिसेस जो किए गए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया गया? और क्या ये दिखाने की कोशिश है कि जो इलीट क्लास है, जो मंत्री हैं, जो नेताजी हैं, जो आज अश्विनी वैष्णव जी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि ये तो मेरे भाई हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये मेरे भाई हैं, और भाइयों ऐसा मत करो, ये सच में भाई हैं, या ये मिडिल क्लास या ये लोअर क्लास, क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? क्या कोई वैल्यू नहीं है? सिर्फ चुनाव के वक्त वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल करना है? और ये युवा जो आज पटरियों पर घूम रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पिट रहे हैं, हॉस्टल के अंदर घुस घुस कर मारे जा रहे हैं, इन सब की भी गलती है। ये 5 साल बेमिसाल के पोस्टर छपवाते हैं, लगवाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं, ये अपने ही नेताओं की वीडियोस को फलाना सम्राट बनाकर फॉरवर्ड करते हैं, और आज अपनी रोती हुई तस्वीरें फॉरवर्ड करते हैं। क्या कुछ कहती है इनकी रोती हुई तस्वीरें, क्या कुछ कहता है ये पूरा मामला, और क्या कुछ कह रहा है पूरा भारत, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान के तुम किसी को नहीं मारे, ये तस्वीरें कश्मीर की नहीं है बल्कि पटना की है, प्रयागराज की है। ये तस्वीरें भारतीय बेरोजगारों की है। 2019 में एक वादा किया गया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। बात किताबी नहीं जमीनी है, वादा पूरा नहीं हुआ तो बेवफाई से तिलमिलाए युवा विद्रोह करने लगे। शांति से किए गए प्रदर्शन में सरकारी लाठियों ने ऐसा तड़का लगा दिया कि सरकारी ट्रेन जला दी गई।
आपको पूरा मामला समझाते हैं कि छात्र आखिर नाराज क्यों हैं। रेलवे ने साल 2019 में एनटीपीसी के माध्यम से 35,308 पोस्टों के लिए ग्रुप डी के लिए लगभग 1,03,000 पोस्टों के लिए आवेदन मंगाए। फरवरी मार्च छात्रों ने फॉर्म भरा, अप्रैल मई में नई सरकार बनी, जुलाई तक परीक्षा लेने की संभावित तारीखें दी गई, लेकिन साल 2019 में परीक्षा नहीं ली गई। साल 2021 में परीक्षा हुई और साल 2022 में सीबीटी 1 एनटीपीसी का रिजल्ट जारी किया गया। नोटिफिकेशन में यह बात लिखी गई थी कि रेलवे बोर्ड सीबीटी 1 एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट देगा, लेकिन आरोप है कि एक छात्र को 5 जगह गिना, इसे रेलवे बोर्ड ने मात्र 10-11 गुना रिजल्ट दिया है। छात्रों की मांग है कि रेलवे 1 student 1 result जारी करे। इंतजार करवाने के बाद हमें ये बताया जाता है कि आपका सीबीटी 2 भी होगा। बताओ ये कौन सी मानसिकता है। ये हम 3-3 साल इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। 3-3 साल वैकेंसी होने के बाद हमें ये बताई जा रही है कि आपका सीबीटी 2 होगा, तो और वो भी एग्जाम से 1 महीने पहले। हमने इसमें क्या नहीं देखा, हमने इस वैकेंसी के लिए क्या नहीं करा, परिवार के ताने सुने, 10-10 बार ट्यूटर कैंपेनिंग करी है, और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि भाई आपका सीबीटी 2 होगा, बस और कुछ नहीं है। ये वैकेंसी 2024 तक ले जाने का एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। माननीय रेल मंत्री महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि जो रेलवे ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों के चलते सीबीटी 2 का आयोजन कर दिया 10th level ग्रुप डी के एग्जाम में, वो हमारी समझ से परे है। आखिर क्यों लेवल 1 के एग्जाम में सीबीटी 2 का आयोजन रखा गया है? इससे सिर्फ कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ विद्यार्थियों का समय बर्बाद होगा। आखिर 3 साल हो चुके हैं वैकेंसी निकले, उसके 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। आखिर रेलवे मंत्रालय क्यों चाहता है कि 2 साल और बर्बाद हो? 19 से तैयारी कर रहे रेलवे की, 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं, और 2 साल और करे यदि सीबीटी 2 तो पता नहीं कब तक ज्वाइनिंग होगी। उधर ट्रेन जली तो इसकी तपिश मंत्री जी को जा लगी। चुनावी मौसम में विरोध की तपश ज्यादा जोर से लगती है। ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने आए और प्रदर्शन करते छात्रों को अपना भाई बता दिया, नौकरियों का आश्वासन दिया, कमेटी गठन की बात की और माहौल इमोशनल करके चले गए। सबसे पहले लेवल 1 में 2 stage एग्जाम क्यों? 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको 1 level के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इसको री एग्जामिन करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम लेवल, सेम तरीके से, सेम लेवल ऑफ हार्डनेस और क्वेश्चन की, ये सब करना अति डिफिकल्ट। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप भी समझते होंगे। इसलिए इसके 2, 1 प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया गया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 level किए जाएंगे। पहला ये। दूसरा आपका प्रश्न कि 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता है कभी भी। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया न्यायपालिका की तरफ से कोई चीज आती तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है इसका। लेकिन छात्रों के प्रदर्शन पर इसका कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। हल्ला बोल के नाम से यूथ मूवमेंट चला रहे अनुपम कहते हैं कि हमारी मांग कुछ और थी, सरकार देना कुछ और चाहती है। रेलवे भर्ती में सरकार के रवैये से असंतुष्ट युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने भी रेल मंत्री जी को कल पत्र लिखकर 2 प्रमुख मांगों से उनको अवगत कराया था। आज सरकार ने 5 रेलवे अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी है। ये कहा है कि 4 मार्च तक यह कमेटी अपनी सिफारिश देगी। देखिए, मांग बड़े स्पष्ट है। 2 मांग, RRB की NTPC परीक्षा में CBT 1 के परिणाम में 20 गुना कैंडिडेट्स का चयन हो, 20 गुना रोल नंबर्स का चयन हो,
और जो आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षा है उसमें सीबीटी 2 को इंट्रोड्यूस करके भर्ती प्रक्रिया को और लंबा न किया जाए। सरकार ये क्यों नहीं कर सकती, बस इसका जवाब देना था सरकार। हम लोग के देखिए सर, जो एनटीपीसी में हम लोग से धांधली हुआ है, हम लोग को जब तक रेलवे चेयरमैन जब तक नहीं हम लोगों को सुधार करता है, जब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग का 70 नंबर रहते हुए भी रिजल्ट नहीं हुआ, 78 नंबर रहते हुए रिजल्ट नहीं दिया एनटीपीसी में। बताइए ये कौन सा नियम रेलवे बोर्ड लाया है, बताइए। हम इस रेलवे बोर्ड से पूछना चाहते हैं। बात आती है चुनाव कराने की या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका अपना काम है, तो अपना काम में कोई देरी नहीं चाहता है। गवर्नमेंट हम लोग को भीख नहीं दे रही है, मेहनत करके हम लोग ने मार्क्स लाया था, अपना मन से गलत क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन काट दिया गया। ये गलती कहाँ से हो रहा है? देखिए क्वेश्चन पेपर जो सेट किए थे ना, क्वेश्चन में ही गलती था। 5 क्वेश्चन मतलब 95 क्वेश्चन था, तो जो 5 क्वेश्चन गवर्नमेंट ने गलती किया, उसमें जो 5 क्वेश्चन गलती किया उसमें मेरा क्या गलती है? उसमें गवर्नमेंट को नंबर देना चाहिए, लेकिन नंबर नहीं दिया गवर्नमेंट, ही नंबर बढ़ाया है। मामले को गरमाता देख बिहार के जाने माने शिक्षक खान सर भी सुर्खियों में आ गए। उन पर आरोप लगने लगे कि खान सर छात्रों को भड़काने का काम कर रही है, लेकिन खान सर ने साफ किया कि सरकार ने जो फैसला आज लिया है अगर वो पहले ले लिया होता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। देखिए ये गलत बात है, ये कुछ जो ऐसे स्वतंत्र यूट्यूबर घूमते हैं ना, वो कुछ भी बोल देते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, आप इसको समझिए। आप सब लोग क्योंकि प्रतिष्ठित मीडिया से हैं, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब चीज़ों को सही मायने में पहुंचाएं। देखिए हम लोग हैं जो रोक के रखे हैं, आप अगर हमारे चीज़ों को देखेंगे, हमारे यूट्यूब को एक हफ्ते से फ्रीज कर लिया गया है, जो वीडियो डाल रहे हैं अगर उस पर आरआरबी लिख रहे हैं तो वो डिलीट कर दे रहा है। अभी भी हमारे वीडियो हम उसको डाले भी हैं यहाँ पर, हम लोग रोक के रखे हैं। अभी भी जयपुर के लड़के कह रहे थे जैसे हम लोग आज करेंगे आंदोलन, या फिर रेलवे का आज 26 जनवरी को हमने सबको बंद कराया कि आज 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए, और रेलवे ने कमेटी जारी किया। रही बात खान सर ने किया, तो एक काम करते हैं हम चुप हो जाते हैं तो आंदोलन भी चुप हो जाना चाहिए। खुद पढ़े लिखे लोग हैं, डीएम साहब भी गए थे रेलवे में राजेंद्र नगर, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि लीडरलेस ये आंदोलन चल रहा है, तो इसमें खान सर कहां से आ जाते। लेकिन सवाल तो उठता है कि चुनावों से पहले उठ खड़ी हुई वैकेंसी चुनाव खत्म होते ही खत्म क्यों हो जाती है? और नौकरी की वैकेंसी आती है तो परीक्षा नहीं आती, परीक्षा आती है तो नियुक्ति नहीं हो पाती। और आज के दौर में तो सरकारी नौकरी की इच्छा लिए युवाओं की या तो परीक्षा की उम्र निकल जाती है, या प्रदर्शन के चक्कर में मुकदमा हो जाता है, या रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है लेकिन नियुक्ति की तारीख नहीं आ पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो इस वक्त जब मैं लाइव कार्यक्रम कर रहा हूं तो मुझको मेरी टीम मेरा असाइनमेंट बता रहा है कि प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हमारा कार्यक्रम जब लाइव चल रहा है इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है कि प्रयागराज में 3 छात्रों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, 3 परीक्षार्थियों पर नामजद मुकदमा, और 1000 लोगों के खिलाफ, 1000 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया अज्ञात में, लेकिन केस हुआ है। साथ ही साथ आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। यह सस्पेंशन उसके बाद आया है जिसके बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मेरे खास कार्यक्रम भारत एट 9 के जरिए लगातार हम इस बात को बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस कदर बदसलूकी हो रही है, किस कदर अराजकता हो रही है, किस कदर प्रयागराज में भी हॉस्टल में घुसकर सरकारी गुंडों की तरह लाठियां भांजी गई, हॉस्टल से बाहर निकाल निकाल कर मारा गया। और ऐसे में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की ये खबर आ रही है, ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं इस वक्त जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं। आधा दर्जन पुलिसकर्मी प्रयागराज का सस्पेंड कर दिया गया एसएसपी की तरफ से, लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि 1000 अभ्यर्थियों पर जो लोग अपनी मांग कर रहे थे, जो लोग अपनी डिमांड रख रहे थे, उनकी डिमांड को गैरकानूनी बता दिया, उनकी डिमांड को लेकर उन पर केस हुआ। पहले लाठी हुई, फिर लाठी से जब बात नहीं बनी तो अब कानूनी मुकदमा किया गया है। तो नौकरी मांग रहे थे जो अभ्यर्थी, उनके लिए एक बहुत खुशखबरी है। एक तरफ जहां अभिनव
एक तरफ जहां अभिनव भारत में माननीय मंत्री जी रेल मंत्री साहब कहते हैं कि ये मेरे भाई हैं, दोपहर में कहते हैं ये मेरे भाई हैं, ये जो अभ्यर्थी है ये मेरे भाई हैं, और ये रेलवे की जो प्रॉपर्टी है हम सब की प्रॉपर्टी है, और आप तो मेरे भाई हैं, इमोशनल करते हैं माहौल को, रात में मुकदमा करते हैं, रात में अभ्यर्थियों पर मुकदमा किया जाता है। तो प्रयागराज से तस्वीर है, प्रयागराज को मैं दिखा रहा हूं अभी आपको। प्रयागराज में जिस तरीके से हॉस्टल से निकालकर मारा गया, पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, और उसके बाद रेल मंत्री साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बड़े बड़े कैमरों के सामने और कह रहे हैं ये तो मेरे भाई हैं, ये मेरे ब्रदर्स हैं। रात में ब्रदर्स पर मुकदमा भी हो गया, रात में भाई पर मुकदमा भी हो गया। ये क्या है, ये क्या है? अभी बहुत से लोग देख रहे हैं, खुद सोचे कि सरकार की मंशा क्या है। दोपहर में बोला कि भाई हैं और रात में अज्ञात में सब पर मुकदमा हुआ, 1000 लोगों पर मुकदमा, जिनको नौकरी देनी थी उनको मुकदमा दे दिया। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, जिनको नौकरी देनी थी, जिनको एम्प्लॉयमेंट देना था, जिनको रोजगार देना था, जिनको रेलवे में भर्ती देनी थी, उनको अब जेल में भर्ती दी जाएगी। क्योंकि प्रयागराज से सबसे पहले आपको बता रहा हूं, 1000 लोगों पर अज्ञात में मुकदमा हुआ है, 3 नामजद लोगों पर मुकदमा हुआ है, और इससे पहले रेल मंत्रालय ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कही थी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग दिख रहे हैं ना तस्वीरों में, उन सबको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकते हो आप, घर में रहना होगा। 3 साल क्या, 30 साल बाद भी अगर नौकरी दी जाती है तो उसका स्वागत करिए, क्योंकि अगर आपने नौकरी मांगी और सरकारी कैमरों में अगर कैद हो गए तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट। और ऐसे में आंदोलन को तोड़ने का सबसे आसान तरीका सरकारी तंत्र ने इजाद कर लिया, और जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वही तो नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वही नौकरी की डिमांड कर रहे हैं। कितना सिंपल है, सो सिंपल, कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वही लोग तो नौकरी की डिमांड कर रहे हैं। और सरकार कह रही है, एक दिन पहले रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, तो नौकरी किसको देंगे? पत्रकार कावेंद्र चौहान को नौकरी देंगे, या फिर हमारे काबिल वीडियो एडिटर साहब काशिफ अली को नौकरी देंगे, या फिर डायरेक्टर साहब हमारे सुमित को नौकरी देंगे? किसको नौकरी देंगे, किसको नौकरी देंगे? जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको नौकरी नहीं देंगे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वही तो नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, उन्हीं को आप कह रहे हैं कि ब्लैकलिस्ट करेंगे, तो फिर नौकरी देंगे किसको, किसको नौकरी देंगे? देहरादून में बैठे हमारे काबिल कैमरा पर्सन सरताज को नौकरी देंगे, या फिर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मान को नौकरी देंगे? किसको नौकरी देंगे? यह बड़ा गंभीर सवाल है। शब्द मुंह से जब निकल रहे हैं तो क्रोध के स्वर लग सकते हैं, लेकिन सवाल बड़े वाजिब से है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दिया, जिन लोगों ने फॉर्म भरा, जो लोग आज 3 साल तक घर पर वेट करते रहे, आज वो लोग जब नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं साहब हमको नौकरी दो, साहब कुछ मत दो, साहब नौकरी दो, साहब नहीं चाहिए आपका दाल भात, नहीं चाहिए चावल, नहीं चाहिए दाल, नहीं चाहिए आपका मुफ्त का ज्ञान, नौकरी दो साहब। और जो नौकरी दो साहब कह रहा है उस पर सरकारी लाठी चल रही है, जो नौकरी दो साहब कह रहा है उस पर मुकदमा हो रहा है, जो नौकरी दो साहब कह रहा है उसको ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जा रही है, और ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि हमने आधा दर्जन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है। सस्पेंड कुछ नहीं,
सस्पेंड कुछ नहीं, कुछ नहीं। हॉस्टल के अंदर घुसकर छात्रों को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो नौकरी की डिमांड कर रहे। आप उनके साथ कायदे से बैठते, बातचीत करते, कभी अभ्यर्थी उग्र नहीं होते, उन्हें नौकरी चाहिए थी। आप उनको समझाते, बताते, बातचीत करते, एक साल, दो साल, तीन साल। अरे वहां पर योगेश बुजुर्ग होने वाला है, वहां पर श्याम बुजुर्ग होने वाला है, वहां पर उसकी शादी टूट गई क्योंकि उसकी नौकरी अभी तक नहीं लगी। तीन साल पहले जैसे ही फॉर्म भरा था तब से लगातार आज तक इंतजार कर रही है उस गोपी की मां, कब उसके बेटे की नौकरी लगेगी। और भारत सरकार झुंझुना दे रही है, भारत सरकार लॉलीपॉप दे रही है। और इस सरकार की जो कानूनी व्यवस्था है वो डंडा दे रही है, कानूनी व्यवस्था लाठी दे रही है, कानूनी व्यवस्था मुकदमा दे रही है। ये आज का भारत है, 2022 का भारत है। और हम 2022 के भारत में इन सब बातों को लेकर, इन सब बातों को करते हुए, इन सब शब्दों का आदान प्रदान करते हुए, गणतंत्र दिवस की आज शुभकामनाएं देते हुए ये सब बातें कर रहे हैं। अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें ये कहां लिखा था कि प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं? और प्रदर्शन अगर हो रहा है तो आप बात करिए, पहले बात करिए, उग्र हो रहा है, क्यों होने दिया आपने? 26 तारीख तक वेट क्यों किया जब 12 से 13 तारीख के बाद ही ट्विटर पर आंदोलन चल रहा है? क्यों नहीं आपने इसको संज्ञान में लिया? क्या ये ऐसे ही साल भर तक ये लोग आंदोलन करते रहे? क्या इनको कोई फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है जो आंदोलन कर पाएंगे? सरकारों को विचार करना चाहिए और छात्रों को भी संयम बरतने की, अभ्यर्थियों को भी, युवाओं को भी, बेरोजगारों को भी संयम बरतने की आवश्यकता है। अगर आप संयम नहीं बरत सकते तो आंदोलन मत करिए, घर जाइए, खिचड़ी खाइए और सो जाइए। शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के साथ।